एक मामूली शख्स ने पूरी केजरीवाल की पार्टी को लगा दिया ठिकाने। पहले खाता था सात खाना, आज कर दिया पूरा साम्राज्य खत्म। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के नेता धराधर जा रहे हैं जेल। केजरीवाल के साथ भी होगा खेल। संजय सिंह मानते थे जिसे अपना छोटा भाई, मनीष सिसोदिया का था वो सबसे ज्यादा करीबी, आखिर अब क्यों बन गया दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा जानी दुश्मन। कुछ दिनों में होने वाले हैं सबसे बड़े खुलासे। जेल में होगी पूरी सरकार, दिल्ली में हो जाएगा काम तमाम। जी, एक मामूली सा शख्स राजनीति में क्या नहीं कर सकता है, वो एक पूरी की पूरी सरकार को खत्म कर सकता है, एक पूरी की पूरी पार्टी को खत्म कर सकता है। जो कभी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सूरमाओं के साथ खाना खाता था, आज वही आम आदमी पार्टी का साम्राज्य खत्म करने पर तुला है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, एक के बाद एक बड़े बड़े ईमानदार नेता जेल जा रहे हैं। वो किसकी वजह से? उस शख्स की वजह से। उसका नाम है दिनेश अरोड़ा। जी हाँ, राजनीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो आजकल ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ये वही शख्स है जिसने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी उस शख्स की गवाही के बाद हुई है जो कभी मनीष सिसोदिया का सबसे करीबी माना जाता था। दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन गया। ईडी के सामने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद से ईडी ने एक्शन लेते हुए संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। दिल्ली में उसके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे। हौज खास में उन्होंने अपना पहला कैफे खोला था। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की थी। एक कंपनी के बाद एक के बाद एक उन्होंने कई कंपनियां शुरू की। रेस्टोरेंट के अलावा अरोड़ा कई बिजनेस चलाते हैं। चीका दिल्ली, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और ला रोका एरोसिटी कंपनियों के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के भी डायरेक्टर हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उनका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उनके कैफे और रेस्टोरेंट खुले हैं। दिनेश अरोड़ा कोरोना के समय काफी चर्चा में आए थे। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन बांटा था। उन्होंने अपने घर को ही पैकेजिंग यूनिट बना दिया था। राशन से लेकर खाना लोगों में बांटकर उन्होंने खूब तारीफें बटोरी थी। अब आपको समझाते हैं कि दिनेश अरोड़ा का शराब घोटाले से क्या कनेक्शन है। दरअसल दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा कि साल 2020 में उसके पास संजय सिंह का फोन आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगने की बात हुई। इसके बाद उनके ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से मुलाकात की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को दे दिए। इसके बाद से दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हो गए। इसी के बाद शराब घोटाला मामले में सारी परतें दर परतें खुलती गईं। दिनेश अरोड़ा ने क्या क्या किया, कहां से कैसे पैसा इकट्ठा करवाया, आम आदमी पार्टी की संलिप्तता कैसे थी, बड़े बड़े नेता इसमें कैसे जुड़े हुए थे, ये सारी पोल पट्टी ईडी के सामने उगल दी। अब देखते हैं कि आगे आगे इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं।